नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। गुरमीत राम रहीम, जो दो अनुयायियों के दुष्कर्म के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा है, उसे चुनाव आयोग ने 20 दिन के पैरोल देने की मंजूरी दे दी है। वो पहले ही 50 दिन की पैरोल पर है। उसे चुनावी गतिविधियों से दूर रहने की शर्त भी दी गई है। पैरोल मिलने का असर उसके समर्थकों पर भी पड़ सकता है। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गलती से मिस फायर होने के कारण गोली लग गई और उन्हें कोलकाता जाने से पहले क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनके मैनेजर ने बताया कि उनकी हालत ठीक है। घटना के समय उनकी पत्नी मुंबई में नहीं थी, लेकिन वो जल्द ही अस्पताल पहुंचेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए मांझी लड़की बहन योजना शुरू की है, जिसमें पात्र महिलाएं हर महीने 1500 रुपये प्राप्त कर सकती हैं। हालांकि परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक होने, आयकरदाता होने या सरकारी नौकरी में होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। महिलाएं ऑनलाइन नारी शक्ति ऐप या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ तनाव बढ़ने के बाद अब नेपाल से 40 मेगावाट बिजली आयात करने का सौदा किया है। 4 अक्टूबर को होने वाले इस त्रिपक्षीय समझौते में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बांग्लादेश बिजली संकट से जूझ रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय वायुसेना का AN-12 विमान 1968 में रोहतांग पास पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 102 लोग सवार थे। हाल ही में भारतीय सेना ने दुर्घटना स्थल से 4 शव बरामद किए हैं, जिससे कुल शवों की संख्या 9 हो गई है। शवों की पहचान के लिए जारी सर्च ऑपरेशन 10 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि हादसे का मलबा 2003 में मिला था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव किया है। अब अभ्यर्थियों को एक ही पेपर देना होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन 140 प्रश्न और सामान्य हिंदी 160 प्रश्न शामिल है। परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को होगी, जबकि मुख्य परीक्षा का पैटर्न अनचेंज रहेगा। नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2023 को ही जारी की गई थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज में चयन नहीं होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है। यदि मुख्य बल्लेबाजों में से किसी को चोट या फॉर्म में गिरावट होती है, तो गायकवाड़ को तीसरे ओपनर के रूप में खेलने का मौका मिल सकता है। उनकी हालिया फॉर्म भी बेहतर रही है। भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, जबकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अक्टूबर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 1900 रुपये को पार कर गई हैं। दिल्ली में ये 1740 रुपये, मुंबई में 1692.50 रुपये, कोलकाता में 1850.50 रुपये और चेन्नई में 1903 रुपये हो गई है। भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित किया है, जिसका सफल ट्रायल हो चुका है। इसे दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर लगाया जाएगा और 10,000 से अधिक ट्रेनों में इंस्टॉल किया जाएगा। यह सिस्टम निर्धारित स्पीड से अधिक होने पर अलार्म बजाता है, साथ ही इमरजेंसी ब्रेक लगाता है, जिससे ट्रेन हादसों की संभावना कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जमैका के पीएम एंड्रयू हॉलनेस का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। हॉलनेस ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। ये जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेस के लिए व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म यानी कि WHAP कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने की डील की है। ये डील टाटा की वैश्विक छवि को बढ़ावा देगी और मेड इन इंडिया की पहचान को मजबूत करेगी। ये आर्म्ड व्हीकल्स विषम परिस्थितियों में भी काम कर सकेंगे। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB 2 अक्टूबर 2024 से टेक्नीशियन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू करेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए 10वीं और ITI BSc B आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये और SC ST महिलाओं के लिए 250 रुपये होंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर और जानकारी उपलब्ध है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति तब तक तनावपूर्ण रहेगी जब तक 2020 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होती है। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच 75% विवाद हल हो चुके हैं, लेकिन जमीनी हालात सामान्य नहीं है। जल्द ही कोर कमांडरों के बीच वार्ता की उम्मीद है। भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हार्दिक सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर उनकी टीम को अनदेखा किया गया, जबकि लोग डॉली चाय वाला के साथ सेल्फी लेने में व्यस्त थे। इस घटना ने खेलों के प्रति समाज में जागरूकता की कमी को उजागर किया है, विशेष रूप से ओलंपिक खिलाड़ियों को पहचान न मिलने के मुद्दे को सामने लाया है।
बीसीसीआई के सचिव जैसा 1 दिसंबर से आईसीसी चेयरमैन का पद संभालेंगे, उनकी जगह नए सचिव की खोज तेज हो गई है। बीसीसीआई के 93वीं वार्षिक बैठक में सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। प्रमुख दावेदारों में रोहन जेटली, आशीष सेला, देवजीत सैकिया और अनिल पटेल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि सड़कों पर किसी भी धार्मिक ढांचे को हटाना जरूरी है। जस्टिस गवई ने स्पष्ट किया कि भारत एक सेकुलर देश है और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक कानून होना चाहिए। बता दें कि अदालत ने 17 सितंबर को कहा था कि बिना अनुमति संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अभिनेता गोविंदा से फोन पर बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। गोविंदा रिवॉल्वर के सफाई के दौरान हुए हादसे में घायल हुए हैं। सीएम ने अस्पताल प्रशासन को सर्वोत्तम देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और गोविंदा को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। वाइस एडमिरल आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिसमें वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। 1985 में सेना में शामिल सरीन गामा नाइफ सर्जरी में प्रशिक्षित हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। वे महिलाओं की सुरक्षा और चिकित्सा पेशेवरों के लिए दिशा निर्देश बनाने में भी सक्रिय हैं। सुपरस्टार रजनीकांत को अचानक पेट दर्द के कारण चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोमवार रात उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन डॉक्टरों ने बताया है कि अब उनकी हालत स्थिर है। मालूम हो कि रजनीकांत के फैंस, जिन्हें वे प्यार से थलाइवा कहते हैं, उनके तबीयत में सुधार से वे राहत महसूस कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट जो पहले से 8.84 किलोमीटर ऊंचा था, अब 8.85 किलोमीटर हो गया है। ये वृद्धि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार माउंट एवरेस्ट हर साल 0.01 से 0.02 इंच ऊंचा होता है और आइसोस्टेटिक रिबाउंड प्रक्रिया से इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। हिमालय की अन्य चोटियाँ की ऊंचाई भी बढ़ रही है। 3 अक्टूबर से होने वाली शारदीय नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड ने कटरा रेलवे स्टेशन पर स्व पंजीकरण बूथ और 47 पंजीकरण काउंटर स्थापित किए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण के बाद QR कोड से RFID कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। उत्तराखंड में 2023-24 में कुल 5.96 करोड़ पर्यटक आए थे, जिनमें से 5.39 करोड़ गढ़वाल मंडल में पहुंचे। चार धाम यात्रा में 56 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हरिद्वार ने 3.70 करोड़ पर्यटकों का स्वागत किया, जबकि कुमाऊं मंडल में केवल 57 लाख पर्यटक आए, जहां नैनीताल में 12.90 लाख पर्यटक पहुंचे थे। पर्यटकों की भीड़ में इससे गढ़वाल में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 75,397 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 90,238 रुपये प्रति किलो हो गई है। 22 कैरेट सोने का भाव 69,064 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोने और चांदी की कीमतें टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले की हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर ईडी ने मामला दर्ज किया है, जो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA के भूखंड आवंटन से जुड़ा है। उनकी पत्नी BS पार्वती ने 14 प्लॉट वापस करने की पेशकश की है। आरोप है कि पार्वती को उनके अधिग्रहित भूमि के मुकाबले अधिक मूल्य वाली संपत्ति आवंटित की गई थी। सिद्धारमैया ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना सहित अन्य छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए दरें पूर्वरत रहेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज 8.2%, PPF पर 7.1% और किसान विकास पत्र पर 7.5% है। छोटे निवेशकों को कोई नया लाभ नहीं मिला है। 1 अक्टूबर 2024 से टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ये जानकारी उपलब्ध करवानी होगी कि वे किस इलाके में कौन सी सर्विस दे रही है। इससे यूजर्स को अपने क्षेत्र में नेटवर्क उपलब्धता का सही ज्ञान मिलेगा। इसके अलावा स्पैम कॉल्स पर नियंत्रण के लिए भी नए नियम लागू होंगे, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलेगी। एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफिसर लेवल पर 88 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में चयनित होने के लिए कोई परीक्षा नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंटरव्यू देना होगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 साल का अनुभव जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए eximbankindia.in/careers पर उपलब्ध है। कानपुर में टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम किया है। ये भारत की घरेलू धरती पर
18वीं लगातार टेस्ट सीरीज जीत है। पहले टेस्ट में 280 रनों से जीतने के बाद भारत ने बांग्लादेश को 233 और 146 रनों पर समेटते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने घर में 12 साल से कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। गूगल 3 अक्टूबर 2024 को अपना वार्षिक फॉर इंडिया इवेंट आयोजित करेगा, जिसमें भारतीय ग्राहकों के लिए नई सेवाओं और उत्पादों की घोषणाएं की जाएंगी। इस साल AI टूल्स गूगल पिक्सल 9 और गूगल पे के विस्तार पर फोकस होगा। इवेंट का लाइव स्ट्रीम गूगल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, जिसमें डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी समाधान पर भी चर्चा होगी। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन में प्रतिभागी नेहा से बातचीत करते हुए भारतीय सेना में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने सेना के अनुशासन और वर्दी के महत्व पर चर्चा की और कहा कि हर नागरिक को सेना में शामिल होने का पर विचार करना चाहिए। बिग बी ने सेना में 3 से 4 महीने बिताने के भी सुझाव दिए हैं। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है सपना कुमारी, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रंजीत कुमार झा, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद साकिर हुसैन, जुबैर आलम, नौसाद रजा, बाबूलाल मरांडी, अजीत मंदर, धनंजय कुमार, मोहम्मद जावेद। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की दिशा निर्देश को कितना जरूरी मानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।